हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेट पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई और यूपी लेखपाल दोनों के जो न्यूज़पेपर है, हमने ये देख लिया कि बस भर्ती जो है बस आने ही वाली है। तो क्या हम लोग भर्ती में वैसे ही थोड़ी ना बैठ जाएंगे, हम लोगों को चाहिए एक मजबूत तैयारी। और उस तैयारी के लिए आपको चाहिए हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग करना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। क्योंकि चाहे लेखपाल की बात करो, चाहे आप एसआई की बात करो, कोई भी मामूली भर्ती नहीं है, बहुत ही अच्छा कंपटीशन इसमें है। तो आपके लिए एक छोटा सा ऑफर है, आप हमारे इस चैनल को टॉपर सेल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। आपको कोई भी पे नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है कि आपको ये चैनल जो है इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ भी आपको इसमें पे नहीं करना है, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भगवान से कामना करता हूं कि इनको जल्दी से एक जॉब मिल जाए। तो ये मॉक टेस्ट है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, तो इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चंस हैं। आप पहले करिए, देखिए आपके टोटल क्वेश्चंस में से सही कितने जाते हैं, जितने भी सही जाएंगे आपको कमेंट में जरूर लिखना, एकदम सही सही, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन पीडीएफ से कोई फायदा नहीं है, आप देखिए, क्योंकि इसके साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखिए उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मिल जाएगी पीडीएफ आपको। चलिए तो हम शुरू करते हैं, बात करें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो सांची स्तूप किस नए करेंसी नोट पर मुद्रित है, बताइए, 50 रुपए पर, 100 रुपए पर, 200 की नोट पर या 500 की नोट पर, किस नोट पर हमें सांची की स्तूप देखने को मिलती है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो है 200, सांची की स्तूप जो है इसमें 200 रुपए की नोट पर दिखती है। और बात करें सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इस सांची की स्तूप की खोज किसने की थी, तो इनका नाम आप भैया कहीं पर लिख लो नोट में, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची की स्तूप की सबसे पहले खोज की थी, ठीक है, और 200 रुपए की नोट पर ये बनी हुई है। तो यहां तक आपके शायद क्लियर हो चुके होंगे। बाकी 500 पर लाल किला है और 50 रुपए पर आपके जो हम्पी का जो रथ होता है ये है, ठीक है। चलिए आपके पास जेब में नोट होगी, आप सारा चेक कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो वहां पर बच्चे गलत कर जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए फटाक से, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी है। देखो पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी मिलेगा, तो घबराना मत कि शायद केवल पीडीएफ ही मिल जाए, आंसर भी नहीं, वो भी मिलेगा, परेशान ना हो। चलिए तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आरआरबी एनटीपीसी में, तो जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। लिखिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सील्ड ज्वालामुखी। जो सील्ड ज्वालामुखी होता है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, लिखना क्या है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप लिख लीजिएगा। बाकी आप मुझे टोटल बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, बताइए, लव तरंगे यानी एल तरंगे जिसको आप कहते हो, पी तरंगे, एस तरंगे या रेले तरंगे, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, तो मैं बताता हूं इसका राइट आंसर हो जाएगा एस तरंगे। जो एस तरंगे होती हैं ये केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकती हैं, ये द्रव और गैस में नहीं गुजर सकती हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बताइए। देखो भाई आपको यहां पर सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी, जीएस की जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ मिलेगी आपको, बस आपको एक काम करना है कि आपको इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, जो बिल्कुल फ्री है आपको, उसमें भी कुछ नहीं देना है। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर बताते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी, ठीक है। नेपाल में जो गंडक नदी है उसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यमुनोत्री और गंगोत्री हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, कुमाऊ गढ़वाल, काराकोरम, कंचनजंगा या पीर पंजाल। देखो भाई मैं 5 सेकंड से ज्यादा का समय किसी को नहीं दूंगा, एग्जाम में भी इतना ही समय आपको लेना है, बाकी जिसको ज्यादा समय चाहिए वो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर देखकर फिर लगाकर फिर आगे बढ़ सकता है। चलिए तो बात करें हम इसका राइट आंसर की, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी कुमाऊ गढ़वाल। जो यमुनोत्री और गंगोत्री हिमनद है ये हिमालय के कुमाऊ गढ़वाल में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दक्षिण गंगा है और दक्षिण गंगा मुझे उम्मीद है कि आपने लगा लिया होगा, गोदावरी है। चलिए आप कमेंट में लिख के हमें बताइएगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। सभी बच्चे अपना अटेम्प्ट तो लिखेंगे कितना सही है, साथ में ये भी लिखेंगे कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। ये तो दक्षिण गंगा हो गया, आपको दक्षिण की गंगा बताना है, ठीक है? अगर इसके बीच में की लिख जाए तो क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। वातावरण में बादल किसके कारण उड़ते हैं? देखा है ना आपने बादल को उड़ते हुए, बताइए तापमान के कारण, वेग के कारण, दबाव के कारण या घनत्व के कारण। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है? घनत्व के कारण ही जो बादल होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था, बताइए भैया? आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, एप्पल, चंद्रयान फर्स्ट। देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, अब ये सोचो कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो भूल जाओ ये सब लेबल अब नहीं आता है। हाँ आ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी लेबल पढ़ के ही जाना है, क्योंकि एक से एक बच्चे मिलेंगे वहां पर आपको पेपर देने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराइए, जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे पेपर तक। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है एकदम से, तब भी ना कर पाओ तो बेकार है, ठीक है? चलिए, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल जो था ये प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, और ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो कब ये लॉन्च किया गया था, तो आप इसकी ईयर भी लिख सकते हो 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान है, बताइए? अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा इंटरमीडिएट में तो आपको ये चीज पता होगी, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में, तो जो आपकी सड़े हुए अंडे की जो गंध होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2S। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? कभी कभी हो सकता है आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड ना दे, सिर्फ आपको ये फार्मूला दे दे H2S, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोबालिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ये क्वेश्चन NTPC और ग्रुप डी दोनों में कई बार आया है, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटोल, विटामिन बीटोल, जो आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है? ये इसी में आपके बीटोल आता है, जिसका जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, कोबालिन होता है, जिसे विटामिन B6 का पैराडिक्सिन होता है, विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड होता है, B2 का राइबोफ्लोविन, B1 का थायमिन, इस प्रकार का होता है आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है? सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन। बिल्कुल ना घबराइए भैया, मिल जाएगी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके यहां से उठा लीजिएगा। लेकिन पहले आप चेक तो कर लीजिए, अगर आप एग्जाम मान लो ये दे रहे हो, मान लो ये पेपर में आप बैठे हो, ये 20 क्वेश्चंस आ गए हैं, आप कितना क्वेश्चन करोगे ये तो चेक करो आप। और नहीं हो रहे हैं आपके, बीच में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो आप अपनी कमियां तो ढूंढोगे, उस कमियां पर तो अपनी कमी जो है उस पर तो काम करोगे आप ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगर आपको पता है कि जो ओजोन परत होती है उसको, उसका जो ह्रास होता है या उसको जो नष्ट होता है वो करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें भी क्लोरीन ही आ रही है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन ही होती है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। महान सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, बताइए? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। और अगर हम आपको बता दें तो ये किस वंश के समय में आया था, तो ये आया था नंद वंश के समय में, यानी एक घनानंद करके थे उन्हीं के समय में ये भारत आया था, ये भी आप याद रखिएगा, नंद वंश का शासन था उस समय पर ये आया था। सिकंदर का और पोरस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, अगर आपको पता हो, वितस्ता का युद्ध, ठीक है, जिसको हम लोग हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। ये किस ईयर में हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था,
पोरस और सिकंदर के बीच में, याद रखिएगा इस चीज को। और उसके 3 साल बाद यानी 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो बितस्ता का युद्ध है, इसके कई नाम है, एक बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, एक झेलम का युद्ध कहा जाता है, कि हाइडेस पीज का युद्ध कहा जाता है, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। बाकी अगर आपको युद्ध का पूरा आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने जितने भी इतिहास हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए हैं मैं सारे करा चुका हूं, तो अगर आप उसको देख लोगे तो आपके युद्ध से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो ये था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था, और किस ईयर में हुआ था, तो 1757 में ये युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था, या हम ये बात करें सैयद वंश का संस्थापक कौन था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया मेरे, ये हो जाएगा खिज्र खां या खिज खां, जो भी आप लिख सको, खिज्र खां ही सैयद वंश के पहले शासक थे। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है, मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो आपने भी इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। तो आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है कि किस ईयर में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी और कहां पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो मैं बता रहा हूं पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में ही इनकी लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। देखो, अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज आपको पूछनी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, केवल मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है किसी को। जो आपका व्हाट्सएप का जो लिंक, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोई बात नहीं, अगर आपके नहीं बन रहे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, अभी आज थोड़ी ना पेपर है, लेकिन हम आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए तो कहा है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली नई नई क्लासेस मिलेंगी, और जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपको सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। चलिए, तो मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी किसने लिखा है बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए, सरोजनी नायडू जो हैं ये किसी भी स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश की हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की माँ कौन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यूपी के ही एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने गलत किया, बहुत सारे बच्चों ने, मेरे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने भी गलत किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुतली बाई, ये इनकी माँ थी और कस्तूरबा बाई इनकी वाइफ थी। चलिए, क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, भीखाजी कामा, सरला चौधरी, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीखाजी कामा, इन्हें ही क्रांतिकारियों की माता कहा जाता था, याद रखिएगा इस चीज को आप। चलिए, अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है। अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीजें और बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, मैं इसमें 2-3 चीजें और बताऊंगा। इसमें अगर बात किया जाए भीखाजी कामा की, तो भीखाजी कामा जो आपका तिरंगा झंडा है इसको लहराने वाली पहली महिला थी, याद रखिएगा इस चीज को, तिरंगा झंडा लहराने वाली पहली महिला थी। और सरला चौधरी की अगर बात किया जाए, तो सरला चौधरी जो आपका राष्ट्रीय गान है इसको सबसे पहले जो गाया था वो सरला चौधरी ने ही गाया था, ये बात आप याद रखिएगा। और किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा इस चीज को, आप याद रखोगे ना, किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल्ड ईगल। ठीक है, वाइल्ड ईगल नहीं होगा, याद रखिएगा, वाइल्ड ईगल नहीं होता है, बॉल्ड ईगल होता है। ये ऑप्शन दोनों थे एग्जाम में, इसीलिए मैंने, आप कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को वैसे उठा लिया है। तो बॉल्ड ईगल जो होता है ये अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, सिगरेट लाइटर आपने देखा होगा, किस गैस का प्रयोग होता है, मीथेन, ब्यूटेन, एथिलीन और एसिटिलीन में, बताइए भैया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। जो आपने सिगरेट की लाइटर देखी होगी ना, तो उसमें ब्यूटेन की प्रयोग होती है। बाकी ये इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आपको आंसर की नीचे दे दी गई है, आप इसको डाउनलोड करोगे पीडीएफ को, आपको सारी आंसर शीट मिल जाएगी। चलिए अगर हम बात करें अपने, अगर आपको ऐसे ही क्लासेस चाहिए, मॉक टेस्ट, अपनी कमियां, अपनी ताकत अगर देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर मैथ की क्लासेस भी चलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस भी चलेंगी, सारी क्लासेस चल रही हैं, चलेंगी नहीं, सारी क्लासेस चल रही हैं। आप जाइए टॉपर्स इन चैनल विजिट करिए, आपको सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब दबा के पढ़ते रहिए।